अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। Once more! जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज पूरे दिन से अपने राजस्थान पुलिस के एग्जाम को लेकर एक लेटर बड़ा ही वायरल हो रहा है, बैंक ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है, सर ये न्यूज सही है या गलत है, ये प्रमाणिक है कि नहीं है। तो देखो, मैंने सुबह भी वीडियो के अंदर बताया था, ये न्यूज प्रमाणिक नहीं है, ये सत्य नहीं है, इसको फेक न्यूज ही माना जाएगा। एक एक पहलू आपके सामने रखूंगा, आप खुद लास्ट में मान जाओगे कि वास्तव में ये न्यूज सत्य नहीं है, ठीक है। यानी सुबह भी मैंने कहा था कि इस न्यूज को आप वायरल मत करना, आप विद्यार्थी हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने आके बताया था कि इस न्यूज को वायरल मत करना, फिर भी मेरे को न्यूज भेज रहे हैं, सर ये बताओ कि सही है कि नहीं है, फिर उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट। अब क्या सर कोचिंग वालों से लड़ने के लिए थोड़ी बैठेंगे, सर कोई कोचिंग वाला ये बता रहा है, कोई यूट्यूबर ये बता रहा है, भाई अपन कोचिंग वालों से लड़ने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हैं, नहीं अपन को यूट्यूबर से लड़ने के लिए यूट्यूब पे आए हैं, अपन सिर्फ आपको एकदम सही मार्गदर्शन बताने के लिए, एकदम सही यानी कि हर चीज प्रमाणिक बताने के लिए यूट्यूब पे आए हैं। अब देखो एक एक पहलू रखूंगा आपके सामने। एक तो देखो शुरुआत करा पर वीडियो में, वैसे पहले बता दूं बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि सर कट ऑफ पे वीडियो, यानी मैंने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कमेंट आई, सर कट ऑफ इतनी कम जाएगी क्या? अभी बता देता हूँ, वो सिर्फ फिजिकली के लिए कट ऑफ है, यानी अभी जैसे अपने राजस्थान पुलिस के एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना पेपर पास का, उसकी कट ऑफ है वो, आप ये मत समझ लेना कि वो फाइनल कट ऑफ है। वीडियो के अंदर इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था, फिर भी चलो नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ, वो सिर्फ यानी का फिजिकल कट ऑफ है, उसके ऊपर लिख भी रखा था फिजिकल कट ऑफ, यानी का सिर्फ आपको दौड़ करने के लिए बुलाएंगे इतने नंबर पे, फाइनल कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी 100 नंबर से ज्यादा, उसके ऊपर आप कहोगे तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ है, सिर्फ यानी का पेपर पास की कट ऑफ है, अभी जो रिजल्ट आएगा पेपर पास का उसकी कट ऑफ है। तो चलो बात करते हैं, पहला लेटर दिखाता हूं आपको, देखो यानी का ये देखो पहले, जैसे कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ठीक है, इसके अंदर देखो लास्ट में अपने को साइन मिलेंगे संदीप सिंह चौहान महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर, ये प्रमाणिक लेटर यानी इन्होंने साइन करके भेजा है कि भाई ये प्रेस नोट मैं खुद जारी कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि जैसे खुद पुलिस विभाग की वेबसाइट पे जारी होता है। अब वर्तमान वाला लेटर देखो, आपको पूरा लेटर दिखाया नहीं गया है, मैंने क्यों कहा कि इस लेटर को आप वायरल मत करना, आप इसको ऑथेंटिक नहीं मानना, प्रमाणिक मत मानना, अभी बता देता हूं। सबसे पहले आप जैसे देखोगे कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, इससे ऊपर देखो कांस्टेबल भर्ती गोपनीय, एक तो देखो इसके नीचे हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे आपको, यानी इतना लेटर वायरल है इसके नीचे हस्ताक्षर नहीं है, ठीक है, फिर क्या लिख रहेगा इसके ऊपर गोपनीय, गोपनीय का मतलब समझते हो क्या होता है, गोपनीय यानी कि किनको भेजा गया, सिर्फ एसपी साहब को लेटर भेजा गया था, इसका मैंने इतना मतलब ये लेटर काट के वायरल किया गया था, और अपन ने क्या किया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती गोपनीय, यानी कि ये लेटर सिर्फ गोपनीय था, सिर्फ एसपी साहब के लिए भेजा गया था। अब जांच एजेंसियां फिर अलर्ट हो गई हैं, यानी अभी जैसे पीछे का तो अपने इतना वायरल हो ही रहा था, कभी कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया, अभी फिर कह रहे कि लेटर लीक हो जाएगा, तो इसीलिए कह रहा था वास्तव में ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है ये, यानी कि फेक न्यूज है। और यानी कि मैंने 3-4 दिन लास्ट में लाइव आके तब भी बताया था कभी राजस्थान पुलिस भर्ती का पेपर आपके 15 से 20 दिनों में करा देंगे, तैयारी करते रहो, अगर तैयारी के लिए बताना था तो यही बता देते कि भाई का ठीक है आपका रिजल्ट मतलब पेपर जल्दी आने वाला है, तैयारी करते रहो, ये बताने कहां जरूरत है, यानी गोपनीय लेटर, यानी कि खुद एसपी साहब को भेजा गया वो लेटर, मतलब इतना वायरल कर रहे हैं। अभी देखो फिर कमेंट क्या आती है, सर जब पेपर लीक हो सकता है तो वैसे नोटिफिकेशन भी लीक हो गया, इसके ऊपर भी छह लेकिन हकीकत में सी कह रहे, जब पेपर लीक कर सकते हैं तो ये नोटिफिकेशन लीक क्यों नहीं हो सकता। अभी जैसे यूट्यूब पे अपने कोई चैनल है, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप गलत जानकारी दे रहे हो, वास्तव में मतलब लेटर सही है, तो मैंने उनको पूछा चलो ठीक है मान लेते हैं लेटर सही है, लेकिन ये लेटर आया कहां से भाई, का कहीं आप मतलब भर्ती लीक मतलब जो पेपर लीक करने वाली टीम में तो नहीं थे, यानी कि नोटिफिकेशन लीक कर रहे हो, ऐसे हमेशा इस चीज को मतलब ऑथेंटिक नहीं माना जाता, इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता, उसके ऊपर साफ लिख रखा है कि यानी कि गोपनीय है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आप स्टूडेंट हो, उस टाइम सुबह भी वीडियो बना के कहा था कि ये सिर्फ फेक न्यूज है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई प्रमाणिक नहीं है, न तो इसके नीचे हस्ताक्षर है किसी के, और ऊपर तो काट के और रख दिया, यानी कांस्टेबल भर्ती गोपनीय, गोपनीय का मतलब होता है सिर्फ एसपी साहब के लिए लेटर था, किसी को दिखाने के लिए नहीं था, और नहीं का हम तो वायरल करेंगे क्या। अभी जैसे अपने 2 साल से अपने आर्मी की भर्ती नहीं आ रही, तो जैसे कोचिंग संचालक थे वो सारे बोले कि चलो भैया दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करते हैं, चले गए सारे स्टूडेंट, चले गए पीछे पीछे वहां पे धरना किया, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कोचिंग संचालक का कुछ होना नहीं था, बढ़िया पैसे थे, जमानत पे बाहर आ गए, पीछे से क्या हुआ स्टूडेंट के ऊपर केस लग गया, जेल गए, बताओ हुआ क्या क्या।
यानी कि आप तो मतलब हर लेटर को ऐसे वायरल कर देते हो कभी के बस पता ही नहीं है कि हर चीज होती क्या है। यानी देखो 18 से 20 साल एज में लगभग राजस्थान पुलिस की सब तैयारी करते हैं, और अगर आप उनको जैसे कहोगे ना वैसे बातें मान लेंगे। अब ये पता ही नहीं है गोपनीय क्या है ये चीज। यानी कि आप जैसे जब किसी ने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था तभी पता चल गया था इस लेटर का लगभग 2 घंटे पहले, और जांच एजेंसियां फिर अलर्ट हो गई है। अभी जैसे अपने राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 14 तारीख को, तो उसमें मतलब एक अपने थानेदार जी की ड्यूटी लगी हुई थी, तो यानी कि सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे, सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए और उसके अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी सी बात के लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे, 5 मिनट ड्यूटी में लेट हो गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अखबार में नाम आता है कि यानी कि कॉन्स्टेबल भर्ती पेपर लीक में शामिल। अब अगर अपन छोटा सा भी लेटर अगर वायरल करते हैं तो सिर्फ नाम यही आएगा, गोपनीय लेटर है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं, धड़ाधड़ कर दो वायरल, कर ये करो वो करो, और इसके अंदर भी साफ लिख रखा है सिर्फ यानी कि एग्जाम सेंटर से संबंधित यानी कि वो प्रस्ताव मांग रखे हैं, कोई फिक्स नहीं है। ये लेटर इतना ही नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है, लगभग 4 से 5 पेज का है। लेकिन फिर भी क्या होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, हमेशा भविष्य स्टूडेंट का ही खराब होगा, छोटा सा केस लग जाएगा, फिर डोलते रहना चीख है। ठीक है, पुलिस विभाग की वेबसाइट है। अब जैसे इनको वायरल करें, इनको ये भी पता नहीं कि पुलिस विभाग की वेबसाइट क्या है, police.rajasthan.gov.in, उसके ऊपर जाके देख लेना। अगर आपको कोई भी न्यूज मिल जाए, कोई ऑथेंटिक प्रमाणिक न्यूज मिल जाए अगर एग्जाम से संबंधित, तो आप कैसे कह सकते हो कि भैया ऑथेंटिक न्यूज है। अगर कोई वायरल कर रहा है तो उनको पूछ के देखो ये लेटर आया कहां से आपके पास में, और अभी जांच जैसे तो शुरू होगी। अभी क्योंकि ये मामला इतना शांत नहीं हुआ जितना आप समझ रही हो क्या, अभी यानी कि वही जांच मतलब चल रही है। एक भर्ती पदोन्नति बोर्ड का आता है लेटर सिर्फ एसपी साहब के पास में गोपनीय रूप से लिखा, उसको भी इतना वायरल कर दिया जाता है। अब फिर ऊपर से स्टूडेंट आवाज उठाते हैं कि जब एक कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक कर रहे हो तो यानी कि नोटिफिकेशन लीक क्यों नहीं होगा, तो अपन उनमें शामिल थोड़ी है, तो पेपर लीक करने वालों में शामिल थोड़ी है क्या। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है, यही बताना था। यानी कि भैया थोड़ा सा यानी कि इसकी जांच भी मतलब कहीं ना कहीं तक हद तक होगी, जैसे सोचने का सर कुछ नहीं होता। एक कहावत है कि 100 सुनार की एक लुहार की, ठीक है, यानी कि अगर 2-3 बार गलती कर दोगे बच जाओगे, लेकिन अगर किसी दिन चपेटे में आ गए ना, जैसे आप पता होता गोपनीय क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता थोड़ा सा पूछ लेना, गोपनीय होता है सिर्फ यानी कि जिसको भेजा गया सिर्फ उसके लिए ही लेटर है, किसी के लिए अलग नहीं है ये, और अपन उसको धड़ाधड़ वायरल कर रहे हैं, और वास्तव में ये चीज ऑथेंटिक नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वही बात रहेगी। नहीं तो अगर भैया कोई स्टूडेंट अगर छोटा सा लेटर भी वायरल कर देगा तो इतनी सी बात रहेगी, अगले दिन न्यूज ये आएगी कि कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में शामिल था, लोग उस नजरों से देखेंगे, यानी कि बड़ी बनाई रियासत है वो 2 मिनट में तहस नहस हो जाती है। तो थोड़ा सा यानी कि मैं किसी कोचिंग वालों से लड़ने के लिए, यूट्यूबर से लड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, वो चीज कहीं जाए, मैं सिर्फ यानी कि विद्यार्थियों के लिए आया हूँ, यानी कि आपको सही मार्गदर्शन बताने के लिए आया हूँ। ये चीजें किसी को नहीं पता थी, सिर्फ इतना सा भैया गोपनीय का मेरे को भी पता, ये लोटर मेरे पास 2 घंटे पहले आ गया था, जब तक किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया था, मैं भी बना के बता सकता था। मैंने उस टाइम ये कहा इसको आप ऑथेंटिक नहीं मानना, इसको प्रमाणिक मत मानना, ये फेक न्यूज है। और यानी मतलब जब 3-4 दिन पहले आया था तब कहा था कि राजस्थान पुलिस का पेपर 15 से 20 दिन के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, देख लो जाके इंस्टाग्राम के ऊपर डेली लाइव आके बताता हूँ, 15 से 20 दिन के अंदर आपका पेपर होने वाला है, अगर कोई जुड़ा हुआ तो देख लो। भैया जब राजस्थान पुलिस का यानी का पेपर मैं भैया 2 महीने पहले बता सकता हूँ, वीडियो जाके देखो, उसमें एक तारीख तक बता दी थी कि इस तारीख को लगभग आपका पेपर होगा, तो ये नहीं बता सकता था कि एक पेपर के बारे में। लेकिन अपने को मतलब देखो स्टूडेंट वास्तव में 18 से 20 साल के बीच में आपको इतना नॉलेज नहीं होता है कि मतलब क्या पेपर होता है, अपन तो बस ठीक है थोड़ा सा वायरल कर देते हैं। अभी आप जैसे न्यूज भी चल रही है जांच जैसे वास्तव में अलर्ट है, हर चीज के ऊपर निगरानी रख रही है, अगर उनका भैया अगर कोई पेपर गोपनीय अगर आप वायरल करोगे हर चीज को, लेकिन आप इसको ऑथेंटिक कैसे मानोगे, इसके ऊपर तो हस्ताक्षर तक नहीं है, और ऊपर का यानी काटा और गया, यानी कि गोपनीय लेटर को काट के फिर वायरल कर रहे हैं, जबकि यानी कि वास्तव में ये लेटर का, थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखोगे आप स्टूडेंट हो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर छोटा सा अगर केस भी लग गया ना तो सीधा सा नाम यही आएगा कि कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में शामिल थे क्या। ठीक है, हर चीज अगर सोशल मीडिया अपन फटाफट वायरल कर देते हैं, लेकिन जब जांच बैठती है तो मतलब क्या हर चीज को वो निकाल के लाते हैं कि जब हमारा गोपनीय लेटर था ये कहां से वायरल हुआ था, किस किस के पास में गया था, क्यों इसको किसने आगे इसको फॉरवर्ड किया था। पेपर मेरे पास भी आया था लेकिन मैंने उसको वास्तव में ये कहा फेक न्यूज है, और पुलिस विभाग खुद भी कह देगा कि वास्तव में फेक न्यूज है, हालांकि वो पेपर कभी भी करा सकते हैं, चाहे वो 22 जून को कराए, लेकिन इस लेटर के बारे में वो यही कहेंगे कि फेक है, क्योंकि ना तुम्हारे इसके ऊपर हस्ताक्षर है ना ही कुछ और है। ऑथेंटिक चीज वो होती है जिसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, प्रमाणिक वो होती है, ये 2 लाइनें कट करके इनको नहीं होता कि भैया एकदम ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी राय हो, बस मेरा ये कहना है कि ये जहां पे है वहीं रखो, इसको कहीं वायरल मत करो। बाकी आपने देखा था 13 तारीख का जब पेपर हर किसी के आया था ग्रुप में टेलीग्राम पे, मैंने नहीं डाला, कमेंट आएगा सर उसके टेलीग्राम ग्रुप में आ रहा, अगले दिन आगे क्या बोलते हैं भैया सभी कहते हैं,
कभी ये हम मतलब जो पेपर आया हम इसको ऑथेंटिक नहीं बताते, हम प्रमाणिक नहीं बताते, कहना पड़ेगा। क्योंकि दो मिनट में कह देंगे बताओ आपके पास पेपर आया कहां से, जब जांच बैठते तब ये कहेंगे कि आपके पास पेपर आया कहां से ये बताओ, तब ये नहीं कहता सर मैंने वायरल कर दिया क्या। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अरे कोई कहीं भी जाए आप स्टूडेंट हो सिर्फ आप ध्यान रखो, ऑथेंटिक तभी मानेंगे जब अपने पुलिस विभाग की वेबसाइट उसके ऊपर जारी कर देगी और उसके उसने यानी तीन दिन से कोई भी लेटर जारी नहीं किया है। अगर आपके पास कोई प्रेस नोट आएगा यानी कि सिर्फ एग्जाम से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना ही कोई लेटर वायरल करना है आपको, ना तो पूरी चीज दिखाई जाती है, आप धड़ाधड़ वायरल कर देते हो। ये सिर्फ लेटर गोपनीय है, सिर्फ यानी का एसपी साहब के खुद के पास आया था, उनके पास रखने के लिए था, ठीक है। तो और किसी का कुछ भी करे आप अपना ध्यान रखना, यानी कि छोटा सा अगर केस लग गया तो फिर बैठे रहना, एक नौकरी तो क्या बाद में कोई भी नौकरी नहीं देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।